हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है दर्शन शास्त्र, जो आता है दर्शन शास्त्र सामाजिक और राजनीतिक पाठ्य वस्तु से अनुशासन और विद्यालय विद्युतियों का आविर्भाव से संबंधित इमरजेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन फ्रॉम लॉजिकल सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं दर्शन शास्त्र के संबंध में। दर्शन शास्त्र का सबसे पहले दर्शन का अर्थ देखेंगे, मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। दर्शन अंग्रेजी भाषा के फिलॉसफी शब्द का रूपांतर है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के दो शब्दों फिलॉस तथा सोफिया से हुई है। फिलॉस का अर्थ है प्रेम अथवा अनुराग और सोफिया का अर्थ है ज्ञान अर्थात विजडम। इस प्रकार फिलॉसफी अर्थात दर्शन का शाब्दिक अर्थ ज्ञान अनुराग अथवा ज्ञान का प्रेम लव ऑफ विजडम है। इस दृष्टि से ज्ञान तथा सत्य की खोज करना, उसके वास्तविक स्वरूप को समझने की कला को दर्शन कहते हैं तथा किसी कार्य करने से पूर्व इस कला को प्रयोग करने वाले व्यक्ति को दार्शनिक की संज्ञा दी जाती है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा है, जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है तथा जो कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे सच्चा दार्शनिक कहा जाता है। इसी के साथ हम देखेंगे स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ फिलॉसफी अर्थात दर्शन का विशिष्ट अर्थ। विशिष्ट अर्थ या कहें विशिष्ट तथा अधिक प्रत्यक्ष रूप में दर्शन का अर्थ अमूर्त चिंतन करने के उस प्रयास से है जिसके द्वारा आत्मा, ईश्वर, प्रकृति तथा संपूर्ण जीवन के रहस्यों का उद्घाटन किया जाता है। इस दृष्टि से मनुष्य क्या है, जीवन क्या है, वास्तविक जीव का उद्देश्य क्या है, इस संसार की प्रकृति क्या है, सूर्य चंद्रमा तथा नक्षत्र आदि का उद्गम स्थान कौन सा है, व्यक्ति इस संसार में क्यों आया है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, मृत्यु क्या है, क्या मानव जीवन तथा प्रकृति से परे कोई लोक है तथा क्या मृत्यु के पश्चात कोई और जन्म होगा। इस प्रकार की बातों की खोज करके उस चिरंतन सत्य का उद्घाटन करना दर्शन का मुख्य विषय है। दूसरे शब्दों में उक्त प्रश्नों के अध्ययन को ही दर्शन कहते हैं। क्योंकि ये सभी बातें अत्यंत पूर्ण हैं, इसीलिए इनके विषय में चिंतन तथा मनन करना एवं सत्य के वास्तविक स्वरूप को समझना साधारण अथवा सामान्य बुद्धि वाले व्यक्तियों की सामर्थ्य से परे की बात है। यह कार्य महान व्यक्तियों का है। हेंडरसन तथा उनके साथियों ने दर्शन का विशिष्ट रूप में अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है, दर्शन ऐसी सबसे जटिल समस्याओं का कठिन अनुशासित तथा सावधानी के साथ किया हुआ विश्लेषण है जिसका मानव ने कभी अनुभव किया है। यानी कि जो मानव ने ऐसे विशिष्ट अनुभव किए हैं वही दर्शन है, कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये हो जाता है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं वाइडर मीनिंग ऑफ फिलॉसफी, दर्शन का व्यापक अर्थ। व्यापक रूप में दार्शनिकों का कोई भिन्न वर्ग नहीं होता है, वे सभी व्यक्ति दार्शनिक हैं जो सत्य की किसी न किसी रूप में खोज करते रहते हैं। यदि ध्यान से देखा जाए तो पता चलेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की लंबी यात्रा में जन्म से लेकर मृत्यु तक दिन प्रतिदिन नए नए अनुभव होते रहते हैं। इन अनुभवों के आधार पर उसे नवीनतम ज्ञान की प्राप्ति होती है। यही नहीं, उसे हर समय ये जानने की इच्छा बनी रहती है कि अच्छे अथवा बुरे, उचित अथवा अनुचित, सच्चे अथवा झूठे, सुंदर अथवा अलग प्रकार के या न्याय अथवा अन्याय में क्या भेद है। जैसे जैसे किसी व्यक्ति को नए नए अनुभव होते जाते हैं, वैसे वैसे उसके मस्तिष्क में क्यों तथा कैसे आदि प्रश्न उठते रहते हैं। परिणाम स्वरूप ये सत्य की खोज करने के लिए अपनी समस्त मानसिक शक्तियों को जुटा देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति किसी रूप में सदैव
सत्य की खोज करता रहता है। क्योंकि सत्य की खोज करना ही दर्शन है, इसलिए व्यापक दृष्टिकोण से शापन हावर के शब्दों में संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है कहा जा सकता है। इन दोनों ही अर्थों से स्पष्ट हो जाता है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक के रूप में सत्य की खोज करने को उत्सुक रहता है, इसलिए वह प्रत्येक वस्तु के वास्तविक स्वरूप को ठीक ठीक समझने में सफलता भी प्राप्त करता है। सत्य की खोज करके तथा उसके वास्तविक स्वरूप को समझ कर प्रत्येक व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, इसलिए वह प्रत्येक वस्तु के वास्तविक स्वरूप को ठीक ठीक समझने में सफल भी हो जाता है। सत्य की खोज करके तथा उसके वास्तविक स्वरूप को समझ कर प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह विद्वान अथवा मूर्ख, अपनी विचारधारा तथा सिद्धांत बना लेता है। एक जीवन के कुछ आदर्शों और मूल्यों में विश्वास करने लगता है। हकसले का भी यही मत है, मनुष्य अपने जीवन दर्शन तथा संसार के विषय में अपनी धारणाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। ये बात अधिक से अधिक विचारहीन व्यक्तियों के विषय में भी सत्य है। बिना दर्शन के जीवन को व्यतीत करना असंभव कार्य है। इसी के साथ हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी, यानी कि दर्शन की परिभाषाएं। हम ये सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर। सबसे पहली परिभाषा हम देख रहे हैं डब्ल्यू फिलर्स की। इन्होंने इस विषय में लिखा है, दर्शन उस निरंतर प्रयास को कहते हैं जिसके द्वारा हम अपनी और संसार की प्रकृति के संबंध में क्रमबद्ध ज्ञान द्वारा एक सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। यहाँ कहने का इनका तात्पर्य है कि कोई भी प्रयास, किसी भी खोज का प्रयास, किसी की सत्यता को जानने का प्रयास, जो कि लगातार चलता रहता है, जब तक कि हम उसकी खोज नहीं कर लेते हैं, हम प्रयासरत रहते हैं, उसे दार्शनिक कहा जाता है, दर्शन कहा जाता है। इसके द्वारा हम अपनी और संसार की प्रकृति के संबंध में क्रमबद्ध ज्ञान यानी कि नॉलेज प्राप्त करते हैं और नॉलेज के द्वारा एक सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। दूसरी डेफिनेशन है बर्टरैंड रसेल की। इन्होंने लिखा है, अन्य क्रियाओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। जैसे हम अन्य क्रियाओं के प्रति सचेत रहते हैं, सजग रहते हैं और उस कार्य को पूरा करते हैं, तो उसी की तरह से ही इसको प्राप्त करना है, इस ज्ञान को प्राप्त करना है, ज्ञान की प्राप्ति है। दर्शन तथा पाठ्यक्रम के संबंध में हम देखेंगे, इस पर भी ध्यान आकर्षित करना जरूरी हो जाता है। पाठ्यक्रम के द्वारा किसी भी या किसी अंग तथा सामान्य एवं संतुलित विचारधारा के अनुसार जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करके या करने के लिए लोगों के विचारों को परिवर्तित किया जाता है। अतः शिक्षा के उद्देश्यों की भांति पाठ्यक्रम का निर्माण भी दर्शन के अनुसार ही होता है। जिस देश में जिस समय जैसी विचारधाराएं, आकांक्षाएं तथा मान्यताएं एवं विचार या आदर्श प्रचलित होते हैं, उन्हीं के अनुसार उस देश के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तथा उसके अंतर्गत उन्हीं विषयों को सम्मिलित किया जाता है जिनके अध्ययन करने से उस देश तथा समाज की तत्कालीन आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। किस विचारधारा के अनुसार पाठ्यक्रम में कौन कौन सी विषयों को सम्मिलित किया जाए, उनको भी समाज ही निर्धारित करता है। यानी कि जैसे समाज की विचारधारा होती है, सोच होती है, विचार होते हैं, कैसा ही पाठ्यक्रम बनाया जाता है। इसी के आगे हम देखेंगे दर्शन तथा अनुशासन, फिलॉसफी एंड डिसिप्लिन। दर्शन अनुशासन के रूप को सुनिश्चित करता है। दूसरे शब्दों में अनुशासन पर दार्शनिक या कहें दार्शनिक विचारधाराओं का गहरा प्रभाव पड़ता है। वस्तु स्थिति ये होती है कि स्कूली अनुशासन कठोर
नियंत्रण पर आधारित होना चाहिए अथवा पूर्ण स्वतंत्रता पर। यह एक दार्शनिक समस्या है। यदि हम किसी देश तथा काल की सामाजिक, दार्शनिक तथा तत्कालीन राजनीतिक विचारधाराओं और स्कूल के अनुशासन का अध्ययन करें तो ये पता चलेगा कि स्कूल का अनुशासन उस समय की विचारधाराओं के अनुरूप ही होता है। उदाहरण के लिए प्राचीन स्पार्टा में स्पार्टनों के जीवन का उद्देश्य अपने राज्य के शत्रुओं के आक्रमणों से, यानी कि अपना जो राष्ट्र था उसको शत्रुओं के आक्रमण से बचाना था। अतः इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वहां के स्कूलों में जो सैनिक अनुशासन की व्यवस्था स्थापित की गई थी। इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि अनुशासन तथा देश की विचारधाराओं में घनिष्ठ संबंध होता है। आज भी हम देखते हैं कि प्रत्येक विद्यालय में इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, जो कि सैनिक भावना कुछ बच्चों में जिनकी रुचि उत्पन्न हो जाए वे इस क्षेत्र में जाने के लिए उत्सुक हों। एडम्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मॉडर्न डेवलपमेंट इन एजुकेशन प्रैक्टिस में अनुशासन के तीन प्रारूपों पर प्रकाश डाला है, जो इस प्रकार से हैं: दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन और मुक्तियात्मक अनुशासन। जो सबसे पहले हम देख रहे हैं दमनात्मक अनुशासन। दमनात्मक अनुशासन दमनवादी विचारधारा पर आधारित है तथा स्वेच्छाचारी शासन की ओर संकेत करता है। इस विचारधारा के अनुसार बालक को किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाती, अपितु उसे दबाकर बलपूर्वक नियंत्रण में रखे जाने पर बल दिया जाता है। इस दृष्टि से दमनात्मक अनुशासन मानवीय तथा भय पर आधारित होता है। दूसरा है प्रभावात्मक अनुशासन। स्वभावात्मक अनुशासन आदर्शवादी विचारधारा पर आधारित है। इस विचारधारा के समर्थकों का विश्वास है कि बालक के व्यवहार में शिक्षक के व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव पड़ता है। शिक्षक को चाहिए कि वह अपने व्यक्तित्व तथा आदर्शों के द्वारा बालक को इस प्रकार प्रभावित करे कि उसमें आत्मानुशासन विकसित हो जाए। इस प्रकार स्वभाववादी दमनकारियों की भांति बालक को सुधारने के लिए डंडे अथवा मारपीट एवं भय का प्रयोग न करके उसके हृदय को स्वयं से जीत कर पूर्ण अनुशासन को बनाए रखना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट है मुक्तियात्मक अनुशासन। इसके अंतर्गत कहा जा सकता है कि मुक्तियात्मक अनुशासन प्रकृतिवादी दर्शन पर आधारित है। इस दर्शन के अनुसार बालक की स्वाभाविक अच्छाई में विश्वास किया जाता है। अतः मुक्तियात्मक या मुक्तवादियों का विश्वास है कि यदि बालक को उसके विकास के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए तो उसके जीवन में नैतिकता यानी मोरलिटी की सुंदरता इस प्रकार से स्फुटित हो सकेगी, जिस प्रकार से नाना प्रकार के पुष्पों में स्वाभाविक सौंदर्य फूट पड़ता है। अतः मुक्तवादी दमनकारियों तथा प्रभाववादियों से बिल्कुल सहमत न होकर बालक की अनियंत्रित स्वतंत्रता पूर्वक आत्माभिव्यक्ति यानी कि जो सेल्फ एक्सप्रेशन होते हैं का समर्थन करते हुए स्वाभाविक परिणामों के अनुशासन का समर्थन करते हैं, क्योंकि आधुनिक युग में मुक्तिवादी विचारधारा प्रचलित है। इसलिए शिक्षा में अनुशासन तथा स्वतंत्रता फ्रीडम एंड डिसिप्लिन की चर्चा प्रत्येक स्थान पर सुनाई पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा दर्शनशास्त्र सामाजिक और राजनीतिक पाठ्य वस्तु से अनुशासन और विद्यालय विधियों का आविर्भाव के अंतर्गत दर्शन के संबंध में, जिसमें हमने देखा दर्शन का शाब्दिक अर्थ, दर्शन का विशिष्ट अर्थ, दर्शन का व्यापक अर्थ, दर्शन की परिभाषा, दर्शन तथा पाठ्यक्रम तथा दर्शन और अनुशासन। अनुशासन कितने प्रकार का होता है इस विषय में भी ध्यान आकर्षित किया गया। ये तीन प्रकार का होता है, जो है दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन और मुक्तियात्मक अनुशासन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।